का भी खुलासा हुआ था कई ऑडियो क्लिप से और एसआईटी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर अब वायरल होती हुई। एक तरफा जांच से एसआईटी खुद कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। व्यापारी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की गई। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का अभी तक जो केस है वो ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं जाता दिख रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी निभानी थी एसआईटी टीम को वो जिम्मेदारी वो नहीं निभाती दिख रही है। और इसी के साथ अब यहां पर इस पूरे केस को एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है और इंसाफ इंद्रकांत त्रिपाठी को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का देखिए मर्डर किया गया था एसपी ने और इस पूरे मामले में अभी तक संदिग्ध जांच का दायरा बढ़ता हुआ। अवनीश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश यहां पर देखिए पहले तो जांच शुरू नहीं की जाती है सही से, फिर जब शुरू होती है तो यहां पर एक नया मोड़ कि सुसाइड बताने की कोशिश। देखिए जो निकांत त्रिपाठी हत्याकांड में एसआईटी गठित की गई थी वो शुरू से विवादों के घेरे में थी, क्योंकि जो अधिकारी इस जांच को पूर्ण करने के लगाए गए थे वो खुद लुटेरे थे, वो खुद उनके ऊपर जांच की कई चल रही थी, कई ऐसे मामलों में जांच चल रही थी, पैसा लेने की भ्रष्टाचार की सलाह मासूल करने बात के जो डीआई शामिल था मथुरा में अभी वो हटाए, इसीलिए हटाए गए थे, उन्होंने एक अपहरण कांड में पैसा वसूल लिया था। विजय सिंह ने अपने आप में एक नाम ऐसा है आज ही बनारस जो वसूली के लिए चर्चित रहे और विमान अधिकारी की गिनती हुई है। अशोक त्रिपाठी थे वो भी अपने आप में चर्चित अटकाई रहे, कानपुर पहले कभी सीओ रहे थे। जो एसआईटी गठित हुई थी एसआईटी का मतलब था सेफ इन्वेस्टिगेशन टीम, ना कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो गवर्नमेंट ने अपने जो पाटीदार को बचाने के पाटीदार की पलटन थी उसको बचाने के लिए एसआईटी गठित की थी, इसका मतलब था सेफ इन्वेस्टिगेशन टीम। तो कहीं ना कहीं पूरी कार्यवाही की कार्यवाही को अभी बता देना कि विक्रांत त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी, अगर उसको आत्महत्या करनी होती तो पहले अपना वीडियो वायरल ना करता वो, तो उसकी हत्या की जाएगी। और इतने दिन बाद अब एसआईटी जांच कर रही थी, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई थी, और एडीजी इलाहाबाद प्रेम प्रकाश जो अपने आप बहुत चर्चित और मास्टर खिलाड़ी माने जाते हैं, हर सरकार में सत्ता में सत्ता की मलाई खाते हैं, बसपा सरकार में थोड़ी बढ़िया जिला लेते हैं, भाजपा के आई तो भी रहेंगे, सपा सरकार में मलाई खाएंगे, ये वो अधिकारी वो बता रहे हैं कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने गोली मारी अपने आप स्वयं आत्महत्या की। अगर ये बताइए अभी तक एडीजी साहब क्यों जांच कर पाए, एसआईटी क्यों बनाई गई, और एसआईटी का बयान आ रहा है जो विजय सिंह मीणा जो टीम के आईजी बनारस हैं वो और प्रेम प्रकाश एक मिलकर बयान जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने गोली मार दी। तो जांच रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, जब जांच रिपोर्ट अभी तक शासन को नहीं दी गई तो विजय सिंह मीणा ने जांच रिपोर्ट लीक कैसे कर दी। कहीं ना कहीं विजय सिंह मीणा जो राजस्थान कैडर से है, राजस्थान रहने वाले हैं, सलाम मातु राजस्थान से रहने वाले हैं और पाटीदार भी राजस्थान रहने वाला है, पूरी घटना में इसमें जो राजस्थान के एक अधिकारी बचाने के दो बेईमान राजस्थानी अधिकारी को लगाया गया कहना गलत नहीं होगा, और उन्होंने अपना खेल कर भी दिया, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को हत्याकांड को अलवत्ता में बदल दिया। बिल्कुल अवनीश, और देखिए यहाँ पर अब जब एसआईटी की जांच जो है वो संदेह के घेरे में आकर खड़ी होगी तो क्या एसआईटी से कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं, वो जो टीम बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जब साफ साफ स्पष्ट हो रहा है वो वीडियो जारी किया गया है, इल्जाम लगे हैं डीएम पर भी कई और एसपी पर भी, तो आखिरकार सुसाइड किस आधार पर बताया जा रहा है इस पूरे केस को। देखिए पाटीदार शुरू से ही बदनाम बेईमान अधिकारी रहा था, अलीगढ़ में एसपी ट्रेनिंग रहा, वहां पर भी इसने खुराफात की थी, वहां पर तत्कालीन उनके अधिकारी थे अब हमारे जनपद में तैनात है कानपुर में, उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी कि इस व्यक्ति को अभी हाल में जिला ना दिया जाए, लेकिन जो पश्चिम पलटन थी जो उसके आका थे उन्होंने इसको बिना अनुभव के ही जिलों में पैसा लेके पोस्ट करा दिया, और पोस्ट होने के बाद से उसने डकैती डालनी शुरू कर दी। डकैती का आलम यह था कि हर जो प्रेशर कारोबारी है, एक नहीं दो नहीं कहीं हर प्रेशर कारोबारी से उसने अपने और डीएम का, डीएम तो खैर लूट कर ही रहा था महुआ में, जहां जहां खनन होगा वहां का डीएम लुटेरा होगा ही स्वाभाविक है, बिना डीएम के एनओसी के एक 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 दिन ना मिट्टी निकल सकती है, ना मड़म निकल सकती है, ना बालू निकल सकता है, ना मिट्टी ना खुद दिया सकती है, डीएम लुटेरा था ही वहां था देश तिवारी। पाटीदार ने देखा कि डीएम साहब हाथ धो रहे गए पैसे गंगा में, हम भी धो लें, और उसी धोने चक्कर में इसने इतना बड़ा कांड करा दिया, व्यापारी की हत्या करा दी। जी अवनीश, देखिए जो ये जांच रिपोर्ट सामने लाई गई है इसके बारे में भी कई चीजें पता करने की जरूरत है। जांच रिपोर्ट अगर लीक हो रही तो एसआईटी जो प्रभारी है विजय सिंह ना, अवनीश आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रेम प्रकाश जो कि एडीजी जोन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे केस को सुसाइड क्यों बताने की कोशिश की जा रही है। प्रेम प्रकाश जी देखिए जो रिपोर्ट सामने आई है अब इंद्रकांत त्रिपाठी के केस में, आखिरकार जब सब कुछ स्पष्ट है कि ये मर्डर है तो इसे सुसाइड किस आधार पर बताया जा रहा है।
ये मर्डर की बात अभी तक जो FIR लिखाई गई है उसमें भी ये बात नहीं आई थी कि मर्डर कराया गया, उसमें भी किसी व्यक्ति का कोई कसूरी साक्ष्य इस तरह नहीं दिया गया था। जो अभी तक की फाइंडिंग है वो पूरी वैज्ञानिक पद्धति से जो की गई है विवेचना, जो तथ्य सामने आए हैं, जो ऑडियो वीडियो और जितने भी साक्ष्य वहां पर मिले, कहीं भी हत्या का कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया। घटना से केवल 10 मिनट पूर्व भी गांव में कुछ बच्चों ने, गांव वालों ने देखा था उनको कि वो अकेले गाड़ी में थे। उसके बाद जब उनके गोली लगी हुई थी उसके बाद भी वहां किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं की गई है। इस पूरी टीम में SIT, SPR और लोकल पुलिस की जितने भी यूनिट है उन्होंने काम किया और सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। परिवार जनों से भी लगातार SIT की बातचीत होती रही। शुरू में लोकल पुलिस के द्वारा भी उनके साथ पूछताछ की गई, बातचीत की गई, लेकिन SP के ऊपर आरोप थे और वहां का जो थाना अध्यक्ष कवरेज था उसके ऊपर भी आरोप थे, तो इसलिए उनको अलग किया गया, उनका निलंबन किया गया। और इसमें जो जितने भी अभी तक सामने साक्ष्य आए, कुछ कल ही हमने इसमें प्रेस ब्रीफिंग में दो ऑडियो भी सुनाए थे, जिन ऑडियो से ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कहीं बाहर से किसी व्यक्ति का हत्या करने में कोई भी इसमें वहां उपस्थित नहीं पाई गई है। जो मिलान किया गया है पिस्टल का, जो बुलेट वाले लिए खाली खोखा मिला है, उसका मिलान स्वयं व्यक्ति की पिस्टल से हो गया है। लेकिन फिर प्रकाश जी देखिए, आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी हत्या को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ वो वीडियो हमें याद है जो इंद्रकांत त्रिपाठी ने बकायदा अपने मर्डर से पहले बनाकर वायरल किया, और अब एक और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि SIT ने जो जांच रिपोर्ट सामने रखी है वो लीक क्यों करा दी, ये सवाल भी बन रहा है क्यों ये लीक हुई है रिपोर्ट, और आखिरकार उस वीडियो का क्या कोई मतलब नहीं है। इसमें लीक करने जैसी कोई बात नहीं, जो उनका मैंडेट था, जो SIT को कहा गया था, SIT के सभी सदस्य वहां मौजूद थे और उनको बताया गया था कि सभी लोगों के जानकारी के लिए बता दिया जाए कि विवेचना में क्या प्रगति है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। इसमें SP को भी नामित किया गया था, तो ये जरूरी था कि इसमें विवेचना से समय समय पर हम ब्रीफिंग करते रहे। इससे पूर्व में भी मेरे द्वारा ही कगई में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जी देखिए, यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट ये जो पुलिस की तरफ से दी गई, जो SIT की तरफ से दी गई है, इस SIT की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ये आशंका पहले से ही थी कि हो सकता है कि SP को बचाया जाए और आखिरकार वही हो गया जो आशंका थी, अब वो कहीं ना कहीं हमें सच होती दिख भी रही है। ऐसा इसमें किसी को न बचाने का प्रयास किया गया है, ये पूरी तरह से रिपोर्ट इसमें निष्पक्ष विवेचना और जितने भी इसमें तथ्य सामने आए हैं उनके सभी परिवारजनों को SIT ने पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उन्होंने पूरा सहयोग किया इस विवेचना में। परिवार वाले प्रेम प्रकाश जी देखिए, परिवार वाले यही कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है, फिर अब वो कॉन्फिडेंस में कैसे आगे। बकायदा परिवार वालों से हमने बात भी की थी, भारत समाचार ने उन्हें अपने साथ जोड़ा भी था, जिसमें वो साफ ये कह रहे थे कि यह हत्या है, कोई सुसाइड नहीं है। फिर कैसे आपने परिवार वालों को अब कॉन्फिडेंस में ले लिया, किस आधार पर ले लिया, पहले तो कुछ और कहते दिख रहे थे। हत्या की बात उनके द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी और इसमें पूर्व में जो वीडियो भी वायरल किया गया था उसमें भी इसी तरह की बात बताई गई थी कि SP के द्वारा इस तरह की धमकी दी जा रही है। लेकिन जो वहां पर अभी लोगों ने देखा, जो वहां गांव के आसपास के लोग या सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले जो उनके जानकार लोग थे, उनके द्वारा ही इस तरह की बातें की गई है। उनके ऑडियो और वीडियो से जो पता चला है, उन्होंने जो आपस में बातचीत की है, उसके बाद जो पुलिस को भी उन्होंने काफी बाद में बताया, पिस्टल भी वो अपने घर तक उन्होंने पहुंचा दी थी, तो वे स्वयं ही इस बात से काफी हद तक सहमत थे कि इसमें कहीं ना कहीं इसमें या तो आपकी किसी व्यक्ति का या उनके स्वयं के द्वारा इस प्रकार की घटना साजिश की गई है।
इसमें जो अभी तक चलिए प्रेम प्रकाश जी आपके तमाम जो जवाब अभी तक रहे उसके बाद अभी भी एक सवाल बनता है कि अभी भी महुआ एसपी मणिलाल पाटीदार है कहां। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, दबिश देने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ है आसपास।